नमस्कार दोस्तों, ईद की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। तो आज छुट्टी है और होता क्या है कि हम ऑफिस में काम करते हैं ना, तो अक्सर हमें ठंडी रोटियां, सूखी रोटियां और बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई सब्जी खाने की आदत हो जाती है। लेकिन जिस दिन भी मौका मिलता है और मैं घर पे होती हूँ तो मैं अपना फेवरेट फूड ही खाना पसंद करती हूँ, जिसमें से कि नंबर वन मैं देती हूँ इसको। ये है दोस्तों परवल, जिसको मैंने एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा नमक मिर्च और थोड़े से बेसन के साथ और हल्दी के साथ। और दो आलू बॉईल थे तो सोचा ख़राब हो जाएंगे फ्रिज में, तो उसको भी इस्तेमाल कर लिया। ये बन रहे हैं पोटल भाजा, बंगाली डिश, और साथ में डाल दी यम हरी मिर्च। और इसके साथ दिखाऊं आपको, चलिए पूरा लंच मेन्यू दिखाती हूँ। ये है लोहे की कढ़ाई में बनी हुई पालक की सब्जी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे घर में आलू खाना पसंद किया जाता है, नॉट मी, बाकी मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो एक आलू डालना पड़ा। अदरवाइज पालक में हमेशा जो है बिना किसी एडिशन के यानी कि आलू वगैरह के खाना पसंद करती। बट चलिए कोई नहीं, सबका ध्यान रखना होता है खाना खाते समय। और ये तो है ही, इसको मैं बार बार दिखाऊंगी क्योंकि मैं बता नहीं सकती इसका क्या स्वाद होता है। और खासकर इसमें जो ये सीड्स है ना, बहुत ही मज़ेदार। ये बनी है राजमा, मिक्सी ख़राब है इसलिए प्याज टमाटर को जो है हमने सॉलिड ऐसे ही डाला है। और इनको कंबाइन करेगा गरम गरम चावल, तो पूरी लग्जरी होती है हमारी छुट्टी के दिन। और दिखाऊं, गरम गरम रोटियां। तो आप भी क्यों नहीं आते मेरे साथ, अभी मैं प्लेट लगाऊंगी ना, फिर एक बार आपके लिए बाइट तो बनती है। तो ये हो गई थाली तैयार। चम्मच रखना भूल गई हूँ, बट मैं तो हाथ से ही खाना खाऊंगी। तो आप सब के लिए ये थाली, प्लीज एंजॉय दी इंडियन ऑथेंटिक मसालेदार खाना, जिसमें पंजाब है, बंगाल है, पहाड़ है, और ये कॉमन, ये सारे इंडिया में चलता है। तो ये यूनिवर्सल थाली हो गई एक तरह से, इंडियन यूनिवर्सल थाली। प्लीज़ एंजॉय, बाय।